नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं आज का आशीष अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है YouTube मार्केटिंग कोर्स में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने डेस्कटॉप से बहुत ही सुंदर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस कैसे बना सकते हैं। अब ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोज़ होती कैसी हैं, आइए मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ। ये मेरा ही अपना चैनल है आशीष अग्रवाल, इस पर एक छोटी सी वीडियो डाली हुई है मैंने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की, वो मैं रन कर रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटेड मोड पे लिखा जा रहा है, इसके बाद इमेज भी आएगी। इमेज ये देख रहे हैं, इमेज क्रिएट हो रही है। इस इमेज को स्क्राइब बोलते हैं और इस वीडियो को सर हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आप वीडियो स्क्राइब की मदद से किस तरीके से अच्छे वीडियो बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें वीडियो स्क्राइब अपने डेस्कटॉप पे लोड करना होगा। वीडियो स्क्राइब एक पेड सॉफ्टवेयर है, यह आपको वीडियो स्क्राइब पर जाकर परचेज करना होगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं VideoScribe.co, ये वेबसाइट है वीडियो स्क्राइब की। 7 दिनों का ये फ्री ट्रायल देता है, अगर आप इसे फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री वीडियोज़ में आपके वाटरमार्क का साइन आएगा, जो जब आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लेंगे तब वाटरमार्क का साइन नहीं आएगा। और बहुत ही सुंदर स्क्राइब्स इसके अंदर इनबिल्ट होती हैं। आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से हम वीडियो स्क्राइब की मदद से वीडियो बना सकते हैं। मैं अपना जो वीडियो स्क्राइब है ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने अपना वीडियो स्क्राइब ओपन कर लिया है। जब आप अपना वीडियो स्क्राइब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आएगा। इस डैशबोर्ड में आपकी जो पुरानी वीडियो बनी हुई है वो पुरानी वीडियो नज़र आएंगी और साथ में प्लस का ये साइन नज़र आएगा। इस प्लस के साइन का मतलब है कि अब यहाँ से नई वीडियो बनाना आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक नई वीडियो बना के दिखाता हूँ किस तरीके से हम वीडियो स्क्राइब में वीडियो बनाते हैं। सो वीडियो स्क्राइब में वीडियो बनाने के लिए मैं प्लस के साइन पर क्लिक करता हूँ। जब प्लस के साइन पे आप क्लिक करते हैं तो एक ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। इस विंडो में जो बीच का एरिया है, वाइट एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज़ योर कारपेट एरिया, दिस इज़ योर वर्क एरिया। आप जो भी वीडियो बनाएंगे यहीं पर बनाएंगे। सो इसके बाकी बटन्स क्या हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला ये सेव का बटन है, आपकी जो भी वीडियो बनाएंगे आप इसे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। जो दूसरा आपका बटन है, ये आपका इमेज का बटन है। आप कई सारी स्क्राइब्स, कई सारी इमेजेस इसमें इनबिल्ट होती हैं, आप इनबिल्ट इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा आप बाहर से भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट का बटन है, देर आर मोर देन 500 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट अवेलेबल इन दिस। हम जब बना के दिखाएंगे आपको सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। आप ग्राफ्स भी लगा सकते हैं, ग्राफ्स भी इसमें इनबिल्ट हैं। आप इनबिल्ट म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपना कोई आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी मदद से आप टेक्सचर और कलर चेंज कर सकते हैं। और आप हैंड, जो आप देख रहे हैं, जो हैंड मैंने आपको दिखाया था, हैंड नज़र आ रहा था, आप इस टूल की मदद से आप दूसरे टाइप का हैंड चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैंने बैकग्राउंड का बटन दबाया। यहाँ पर कई सारे टाइप्स के टेक्सचर आ गए और ये नीचे जो ऑप्शन है कलर का ऑप्शन है। मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करूँगा, ये मैंने कलर ऑप्शन लिया। आप देख रहे हैं कि आपका वर्क एरिया का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अभी जो वीडियो बनेगी, वीडियो का पूरा बैकग्राउंड ऐसा ही रहने वाला है। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इमेज किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। इमेज अपलोड के लिए आप इमेज पर क्लिक करेंगे। इमेज पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं इनबिल्ट इमेज आपको दिखाता हूँ। इनबिल्ट इमेज दिखाने के लिए मैं आप टाइप करता हूँ मनी। जब मैं मनी टाइप किया मैंने, तो आप देखेंगे बहुत सारे आपके ऑप्शंस निकल के आएंगे जो मनी से रिलेटेड होंगे। आप देख रहे हैं कि कई सारे ऑप्शंस निकल के आए जो मनी से रिलेटेड हैं। अगर इनमें से आपको कोई इमेज पसंद आती है तो आप इनमें से कोई इमेज चूज़ कर सकते हैं। लाइक कि चलिए, मैंने ये वीज़ा सपोज़ करिए, मेरे वीज़ा कार्ड के ऊपर है और मैंने ये वाली इमेज चूज़ कर ली। अब इस इमेज को मैं रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये इमेज रन करेगी, ये इमेज वीडियो में किस तरीके से नज़र आएगी। आप ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये बनती हुई नज़र आएगी। आप देख रहे हैं कि ये बहुत स्लो अभी मूव कर रही है, इसके टाइम स्पीड बढ़ाना या कम करना ये आपके हाथ में है। किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने डैशबोर्ड के नीचे देखेंगे जहाँ पर ये इमेज बनी हुई है,
उसके साइड में टाइम मेंशन है 8 सेकंड का। अगर आप चाहे तो बढ़ाकर इसको 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड कर सकते हैं, या फिर इसको आप कम कर सकते हैं। जितना टाइम कम करेंगे उतनी फास्ट मूव करेगी, जितना टाइम बढ़ाएंगे उतनी स्लो मूव करेगी। मैंने इसे 2 सेकंड कर दिया। अब मैं दोबारा इसको रन करके दिखाता हूँ कि अब ये कैसे रन करती है। आप देख रहे हैं कितनी फास्ट क्रिएट हो रही है। सो दिस इज़ द वे टू एड एन इमेज फ्रॉम द स्क्राइब इट्सेल्फ। अगर हम बाहर से कोई इमेज लेके आना चाहें तो किस तरीके से ऐड करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको स्क्राइब को हल्का सा स्क्रॉल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं एक इमेज को। जब भी हमें कोई दूसरी इमेज यूज़ करनी होती है, हमें स्क्राइब को स्क्रॉल करना होता है। ये स्क्राइब मैंने स्क्रॉल की और वाइट बोर्ड मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आपके घर में कोई वाइट बोर्ड है और उस आपने कुछ लिख दिया उसके ऊपर, अब दोबारा कुछ लिखना है तो आप वो पूरा रब करेंगे। यहाँ पर रबिंग नहीं करना है आपको, रबिंग की जगह स्क्रॉलिंग करना है। तो फ्रेंड्स, अब कोई बाहर से इमेज मैंने लेनी है, तो बाहर से इमेज लेने के लिए फोल्डर नीचे देख रहे हैं इम्पोर्ट का बटन है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो अब जहाँ पर भी आपने अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर इमेज सेव की हुई है वहाँ से इमेज पिक करनी है आपको। सिर्फ मैं देख लेता हूँ डेस्कटॉप पे कोई इमेज, हाँ जी एक ये इमेज है, मैं इसे पिक कर ली मैंने। अब ये इमेज अपलोड हो रही है, अब ये इमेज अपलोड हो गई। अब ये इमेज मुझे किस तरीके से नज़र आएगी, ये 6-7 ऑप्शन से इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अब ये बाहर की इमेज है, जैसे पहली इमेज में पूरी ड्राइंग बनी थी, क्या इसमें भी पूरी ड्राइंग बनेगी? जी नहीं, क्योंकि ये इस इमेज को वीडियो स्क्राइब ने क्रिएट नहीं किया है, ये आपकी अपनी इमेज है, ये आपको पेंटिंग के रूप में नज़र आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से आपको नज़र आने वाली है। ये इमेज इस तरीके से पेंट क्रिएट होती हुई नज़र आएगी। अब इसके बाद हम टेक्स्ट पे आते हैं। टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा। इस टेक्स्ट ऑप्शन में आपने कुछ भी लिखना है, लाइक मैंने लिखा वेलकम फ्रेंड्स। अब वेलकम फ्रेंड्स लिखने के बाद आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं बेसिक, जहां लिखा हुआ है ये आपका फ़ॉन्ट ऑप्शन है। इसके अंदर इनबिल्ट बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, आपको जो भी फ़ॉन्ट चूज़ करना है आपने प्लस या माइनस का साइन क्लिक करना है और अपना फ़ॉन्ट चूज़ करना है। लाइक कि मैं अभी एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ वेलकम फ्रेंड्स बेसिक में, जो बेसिक फ़ॉन्ट होता है। इस बेसिक फ़ॉन्ट पर मैंने लिख के दिखाया और क्लिक किया तो ये आप देखिए इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। और ये आपको वीडियो में कैसा नज़र आएगा ये भी देख लेते हैं। ये हैंड ऑप्शन है, इस हैंड ऑप्शन से ये आपको वीडियो में नज़र आने वाला है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से नज़र आ रहा है। अब मुझे इसका टेक्सचर चेंज करना है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हैंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी चेंज करना है, इसके लिए आपको ये पेज नज़र आ रहा है, इस पेज पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो हैंड का ऑप्शन है, इस हैंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कई सारे हैंड आपको नज़र आएंगे। लाइक कि मैं ये वाला हैंड चूज़ कर लेता हूँ। आपको जो भी हैंड चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। और मैंने ओके किया और ओके किया। अब ये देखिए आप किस तरीके से लिखता हुआ नज़र आएगा। पहले हैंड स्टाइल दूसरी थी, अब हैंड स्टाइल दूसरी हो गई। और इसके अलावा मुझे इसका कलर चेंज करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर जहाँ ब्लैक सिंबल नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे कलर के ऑप्शन आ जाएंगे। कलर ऑप्शन हो गया। इसके अलावा टेक्स्ट पर आप जाएंगे, पहले बेसिक था, अब मैंने दूसरे टाइप का ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो अब देखते हैं कैसा नज़र आता है हमारा टेक्स्ट हमें। अब हम इसे ज़रा एडिट करके देखते हैं। ये देख रहे हैं ये इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी वीडियो बनती चली जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो स्क्राइब को स्क्रॉल करना है। वीडियो स्क्राइब को स्क्रॉल करने के बाद जहाँ पर भी आपको इसकी पोजीशन देनी है आप इसको स्क्रॉल करके उस वहाँ पर इसकी पोजीशन दे सकते हैं और ये आपको वीडियो बनती हुई नज़र आएगी बिल्कुल इसी तरीके से। आइए मैं आपको पूरी वीडियो रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपकी पूरी वीडियो रन कर रही है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये पूरी वीडियो किस तरीके से रन कर रही है। इसी तरीके से आप इसमें कुछ चार्ट्स भी जोड़ सकते हैं। चार्ट जोड़ना है तो आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा किस तरीके का चार्ट आपको जोड़ना है। आपको पूरे कंटेंट देने होंगे, आप कंटेंट लिख के आप चार्ट ऐड कर सकते हैं। आपको इनबिल्ट म्यूजिक्स हैं इसके अंदर बहुत सारे, जो भी म्यूजिक आपको ऐड करना है उस म्यूजिक को आपको चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और वो म्यूज़िक इसके अंदर अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा अपनी साउंड रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं रिकॉर्ड बटन से।
और हैंड्स का ऑप्शन मैंने जैसे आपको दिखाया, आपको हैंड चेंज करना है तो बहुत सारे ऑप्शन से हैंड चेंज करने के, आप जहाँ भी क्लिक करेंगे मैट पे क्लिक करेंगे तो कई सारे मैट खुल जाएंगे, जो जो भी आप क्लिक करेंगे मोर देन 500 टाइप ऑफ हैंड ऑप्शन आर अवेलेबल इन दिस स्क्राइब। इसके अलावा आप जब गूगल पर जाएंगे स्क्राइब सर्च करेंगे तो आपको बाहर से भी कई सारे स्क्राइब इमेजेस मिलेंगी, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। कई सारी पेड होती हैं और कई सारी फ्री होती हैं। सो दोस्तों, आपको व्हाइटबोर्ड एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए वीडियो स्क्राइब इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। आप आसानी से बहुत सुंदर वीडियोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अपलोड कैसे करना है, इस वीडियो को अपलोड करने के लिए आपको जस्ट पब्लिश का बटन पुश करना है। पब्लिश का बटन जब आप पुश करेंगे तो आपसे ये पूछेगा आप डायरेक्टली फेसबुक पर, पावर पॉइंट पर या फिर यूट्यूब पे आप इसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगी कि पहले आप सेव करें, सेव करने के बाद अगर उसमें कुछ फ्लो है तो उसे आप एडिट करें, और एडिट करने के बाद ही उसे जहाँ पब्लिश करना है पब्लिश करें। तो सेव, एक बार हम लोग सेव ऑप्शन पर आते हैं। सेव ऑप्शन पर आए तो आप देख रहे हैं ये AVI फॉर्मेट में हमेशा आपको चूज़ करना है क्योंकि आपको वीडियो बनानी है। उसके अलावा आपकी क्वालिटी कैसी चाहिए, आपको नॉर्मल बहुत छोटी अगर वीडियो चाहिए आपको मोबाइल्स पे डालने के लिए तो आप 360 पे करेंगे, नॉर्मल क्वालिटी 640, 720 HD और फुल HD भी आपको ये वीडियो क्रिएट करके देता है। आपको अपना नाम बताना है वीडियो का, जो भी आपने नाम बताया। नाम बताने के बाद आपको जस्ट राइट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसे राइट पे क्लिक करेंगे ये आपकी वीडियो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्क्राइब पे वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। आप बहुत ही सुंदर वीडियोज़ आप आसानी से बना सकते हैं। जितनी बड़ी वीडियो होगी उतना थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा या प्रोसेसिंग करने में, लेकिन आप अपना काम कर सकते हैं, इसको अपना काम करने दें। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।